नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। अगर आप सोच रहे हैं कि चार पन्नों का इस्तीफा थमाने के बाद राहुल गांधी सुर्खियों से दूर हो जाएंगे, अध्यक्ष से वापस पार्टी कार्यकर्ता बनने के बाद उन्हें कोई नहीं पूछेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भले उनकी अध्यक्षता में पार्टी ने करीब 20 से ज्यादा चुनाव हारे हों, लेकिन राजनीति में उनकी लोकप्रियता आज भी कायम है। उनकी जुबान से निकला शब्द मीडिया की सुर्खियां बन जाता है और जहां जहां जाते हैं कैमरे में कैद हो जाते हैं। भले विरोधी उन पर पप्पू से लेकर जोकर का टैग लगाते हैं, लेकिन जब जब एक आम आदमी की तरह राहुल गांधी जनता के बीच जाते हैं, लोगों का दिल जीत लेते हैं। आपको दिल्ली से गुवाहाटी जा रही फ्लाइट तो याद होगी, जिसमें मौजूद राहुल गांधी दूसरे पैसेंजर की मदद करते हुए नजर आते हैं, उसका लगेज उठाने और उसे एडजस्ट करने में मदद करते हैं। बस राहुल का यही अंदाज फ्लाइट में बैठे तमाम यात्रियों का दिल जीत लेता है और लोगों की नजरों में वो डाउन टू अर्थ शख्स बन जाते हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब वीवीआईपी कल्चर को छोड़ एक आम आदमी की तरह राहुल गांधी लोगों के बीच नजर आए हैं। अब जो वीडियो राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसने एक बार फिर लोगों के होश उड़ा दिए हैं। असल में राहुल गांधी आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 देखने थिएटर पहुंचे थे और उनका यही अंदाज वहां बैठे लोगों को इतना भाया कि तारीफों के पुल बांध दिए। ये वीडियो उस वक्त है जब पीवीआर ईसीएक्स सिनेमास चाणक्य में बैठकर राहुल गांधी फिल्म में खोए हुए थे। तभी एक शख्स ने उनका ये वीडियो बना डाला जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। वीडियो में आप भी साफ देख सकते हैं कि फिल्म देख रहे साथ में बैठे सहयोगी से राहुल बात भी करते हैं और साथ ही रुपैले पर्दे पर लगी फिल्म आर्टिकल 15 को देखने में मशरूफ भी नजर आते हैं। राहुल का यही अंदाज अब लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो पर जमकर कमेंट्स आने लगे हैं। एक ट्विटर यूजर ने तो राहुल के इसी अंदाज को आम जीवन और ऊंची सोच वाला कदम बताया, तो वहीं दूसरे यूजर ने कहा, अपने खाली वक्त में वो एक आम आदमी की तरह फिल्म देख रहे हैं, साथ ही एक आम आदमी की तरह देश के रेवेन्यू में भागीदार बन रहे हैं। वैसे जिस फिल्म को देखने के लिए राहुल गांधी पीवीआर पहुंचे थे, वो जातिवाद के बुरे साए का एक दर्दनाक पहलू दिखाता है, जिसमें ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये देश संविधान के अनुसार चलेगा और संविधान देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करती है। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आयुष्मान खुराना ने तोड़ू एक्टिंग की है। और अगर आपने अभी तक फिल्म आर्टिकल 15 नहीं देखी है, तो आप अभी जाइए और इस फिल्म को देखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। भाइयों और बहनों, कल आपने बजट में और उसके बाद टीवी पर चर्चाओं में और आज अखबारों में एक बात पढ़ी सुनी देखी होगी। एक शब्द गूंज रहा है चारों तरफ, हर कोई बोलना शुरू किया है, देखते ही देखते कानों कानों बात पहुंचने लगी है। और वो क्या है? $5 trillion इकोनॉमी। आखिर $5 trillion इकोनॉमी के लक्ष्य का मतलब क्या है? एक आम भारतीय जिंदगी का, हर एक भारतवासी का इससे क्या लेना देना है? ये आपके लिए, सबके लिए जानना भी और जानकर के घर घर जाकर के बताना भी बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो हम भारतीयों के सामर्थ्य पर शक कर रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि भारत के लिए ये लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आपने सुना होगा, कल से चर्चा चल रही है। साथियों, जब ऐसी बातें सुनता हूं तो काशी के इस बेटे के मन में कुछ अलग ही भाव जगते हैं। आशा निराशा में उलझे लोगों तक मैं अपने मन के भाव पहुंचाना चाहता हूं। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है। देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा। अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है। दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है। तो साथियों, बात होगी हौसले की, नई संभावनाओं की, विकास के यज्ञ की, मां भारती की सेवा की और न्यू इंडिया के सपने की। ये सपने बहुत हद तक जुड़े हुए हैं 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य से। आने वाले 5 वर्ष में 5 ट्रिलियन डॉलर की विकास यात्रा में अहम हिस्सेदारी होगी। हमारे किसान भाइयों बहनों की, खेती की, गांव की। आज देश खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों का पसीना है, सतत परिश्रम है। अब हम किसान को पोषक से आगे निर्यातक यानी एक्सपोर्टर के रूप में देख रहे हैं। अन्न हो, दूध हो, फल सब्जी शहद या ऑर्गेनिक उत्पाद, ये हमारे पास निर्यात की भरपूर क्षमता है। और इसलिए बजट में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए माहौल बनाने पर बल दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक का
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर निवेश बढ़ाया गया है। इसी सोच के साथ यहां आप सबको मालूम है राजा तालाब और गाजीपुर घाट में जो पेरिशेबल कार्गो का निर्माण किया गया है उसके नतीजे दिखाई देने लगे हैं। आप लोग ये जानकर खुशी होगी कि अब तक यहां से फल सब्जियों के 11 शिपमेंट विदेश भेजे गए हैं, यानी एक शुरुआत हुई है और उसका सीधा लाभ यहां के किसानों को हुआ है। यहां जो प्याज और केला होता है उसे ले जाने के लिए स्पेशल रेल कंटेनरों की व्यवस्था भी की गई है। अब हमारा प्रयास है कि यहां एक क्लस्टर विकसित किया जाए जिसमें सरकार के अलग अलग विभाग मिलकर एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए सारी सुविधाओं का निर्माण करें। यहां जो बनास डेयरी की शुरुआत हमारे यहां की गई है वो भी आज 6000 किसानों से 11000 लीटर से ज्यादा लीटर दूध इकट्ठा कर रही है। ये तो शुरुआत है। पहले बहुत से किसानों को कम कीमत पर दूध बेचना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें भी इस डेयरी का लाभ मिल रहा है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। भाई और बहनों, किसान जो कुछ भी उगाता है उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको दुनिया के बाजारों में निर्यात करने के लिए निर्यात नीति भी हम बना चुके हैं। किसानों को अतिरिक्त आय हो इसके लिए भी तमाम फैसले लिए गए हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता के रूप में तैयार करना इसी रणनीति का हिस्सा है। खेत में ही सौर ऊर्जा प्लांट, सोलर एनर्जी प्लांट लगाने से किसान को अपने उपयोग के लिए बिजली तो मुफ्त मिलेगी ही, अतिरिक्त बिजली वो बेच भी सकेगा। इससे सिंचाई की लागत कम होगी और बिजली बेचने से किसान को अतिरिक्त आय भी होगी।